हाय फ्रेंड्स, जीत रंगोली में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए आज एक कोई फंक्शन में या कोई त्यौहार में या दिवाली में भी इस प्रकार की एक रंगोली बना सकते हैं। तो एक सुंदर सा नया इनोवेटिव डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो कोई भी एक स्क्वायर शेप लेना है, मेरे पास टाइल्स था तो टाइल्स से ही उसको तेजा करके लिए, या आप कोई न्यूज़पेपर को भी जो स्क्वायर काट के भी उसको शेप ले सकते। एक शेप के बीच में एक कमल के फूल, उसके ऊपर एक कलश, उसके ऊपर एक नारियल, और साइड में थोड़ा सा डिज़ाइन, और जो नीचे है नीचे भी थोड़ा सा एक वेलकम है, सुस्वागतम लिखेंगे। तो एक सिंपल सा डिज़ाइन बनेगा जो गालीचा के भी इफेक्ट आएगा, और ये सारे जो भी हम कलर भरेंगे वो सारे नॉर्मल कलर रहेगा जो मार्केट में मिलता है रंगोली, बस उससे भी हम गालीचा इफेक्ट के रंगोली बना सकते हैं। तो शुरू करते कलर भरना। तो ये फूल और जो कलश था उसके बैकग्राउंड में ऑरेंज, ऑरेंज के साथ थोड़ा सा रेड मिला के और एक शेड बनाए, और फिर रेड, बस ये दो कलर को थोड़ा सा ब्लेंड किया हल्का सा, ताकि जो रौनक है वो रेड से दिखे। जिस प्रकार जब भी कभी हम इस प्रकार गालीचे की रंगोली बनाते हैं तो कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं रेड कलर दे, क्योंकि रेड कलर जल्दी से नज़र आता है और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो जो मेन पॉइंट था फूल, कलश और जो नारियल बनाए उसके नीचे ही हमने रेड और ऑरेंज यूज़ किए, ताकि जो नज़र है जो लुक है वो वहाँ से ही उभर के आए। तो नारियल के लिए हम थोड़ा कत्था कलर बनाए, कत्था कलर नहीं रहा तो ऑरेंज और थोड़ा सा रेड और उसमें थोड़ा सा ब्लैक मिला तो भी इस प्रकार के कलर बनता है। जो कलश है, कलश में थोड़ा डार्क जो संस्कार भारती बनाने का जो रंगोली मोटा दाने का, वो मोटा दाने का रंगोली है ये। चाहे तो यहाँ पर आप थोड़ा डार्क कलर भी यूज़ कर सकते हैं। कलश में थोड़ा सा डिज़ाइन भी देंगे तभी वो लगेगा वो मंगल कलश है। और यहाँ पर रेड कलर से स्वास्तिक चिन्ह बनाएंगे, दो डॉट देंगे। स्वास्तिक चिन्ह थोड़ा सा लाइट होना था, पर जब हम ये चीज़ ओरिजिनल देखते हैं तो वो नज़र आता है, भले ही यहाँ पर कैमरे में थोड़ा सा कम दिख रहे हैं। और जो रंगोली पेन है जो फाइव लाइन वाला, वो पेन से जो स्क्वायर के दो साइड को आउटलाइन करेंगे। जब हम गालीचे रंगोली बनाते हैं तो कलर तो भरना ही भरना है, और उसमें थोड़ा वाइट रंगोली ज़्यादा यूज़ करना है। वाइट रंगोली से क्या होता है, जो लुक है वो ज़्यादा उभर के आता है। एक फ्रेंड ने बताया कि सर आप रंगोली में इतना सफ़ेद कलर की यूज़ करते हो, तो वो ज़रूरी होता है। यदि हमारा बैकग्राउंड डार्क है तो वहाँ पर वाइट रंगोली से डिज़ाइन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कुछ फंक्शन में जाते हैं कहीं पे भी कौन से कैसे भी बैकग्राउंड में हम बनाते हैं तो वो वाइट रंगोली के कारण ही दिखता है ब्राइटनेस, और उसका जो सुंदरता वो वाइट रंगोली से ही आता है। इसलिए गालीचा टच देना है तो वहाँ पर वाइट रंगोली यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे फूल में पिंक कलर भरे, उसमें थोड़ा शेड दिए, रेड कलर से आउटलाइन किए, फिर जो पत्ती था पत्ती में ग्रीन दिए। तो इसलिए हमने ये जो दो साइड का डिज़ाइन है ये जो ब्लू कलर को सिलेक्ट किए, ताकि ऊपर रेड, ऑरेंज, पिंक, फिर ग्रीन, और एक मेन कलर बचा था वो ब्लू, इसलिए हमने यहाँ पर ब्लू कलर के तीन शेड दिए। तो ये सारी चीज़ जब हम अलग अलग कलर से कंबाइन करते हैं तो सारी चीज़ अलग अलग दिखता है, और जो रंगोली है वो एक्चुअली लगता है कि रंगोली है, रंग बहुत सारे रंग है उसमें। अब नीचे थोड़ा सा डार्क जो पिंक कलर है वो पिंक कलर से लेके थोड़ा सा वायलेट तक के देना है, और उसको ब्लेंड करना है। जैसे कोई भी दो कलर को हम यूज़ कर रहे, बस हाथ में दोनों कलर को 50-50% मिला लीजिए,
और उसके बीच में और उसमें को फिल कर दीजिए। तो देखिए वो जो रंगोली है, जो कलर है, दोनों वो मिक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्रिएटिव रंगोली बना सकते हैं। जो फनेल है, फनेल से आउटलाइन की हमने, ये जो रंगोली पेन है तो कोई भी मार्केट में मिल जाता है। ये सब पेन ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं हम। ऊपर थोड़ा सा डिजाइन देंगे दोनों साइड। नीचे जो डिजाइन बना हमने ऑफर स्पेशल ऑफर वेलकम लिखने के लिए ही इतना जगह छोड़े हमने, तो यहाँ पर सुस्वागतम लिखेंगे, इंग्लिश में वेलकम लिख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा गैप दिख रहा है तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डिजाइन दिए, कुछ लाइनिंग। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन को दबा के लाइक कर दीजिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइब के रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा लीजिए, जिससे आने वाला मेरा हर नए क्रिएटिव रंगोली का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। वीडियो देखने के बाद वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और एक सुंदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।